हेलो एवरीवन, आई एम नीरज, सीमेज कॉलेज पटना। आज मैं पाइथन में बिटवाइज ऑपरेटर डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो बाकी ऑपरेटर्स हम लोग पढ़ चुके थे, अर्थमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, असाइनमेंट ऑपरेटर, मल्टीपल असाइनमेंट ऑपरेटर, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, आज के इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ बिटवाइज ऑपरेटर, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए तो ध्यान देंगे। बिटवाइज ऑपरेटर नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस फॉर्मेट में ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है बिट में करता है, जीरो और वन फॉर्मेट में इसका मैनिपुलेशन होता है। ठीक है, हम लोग लिख सकते हैं टू मैनिपुलेट ऑपरेशन इन बिट फॉर्मेट। ओके, बिट फॉर्मेट एज जीरो और वन। ठीक है, जीरो और वन फॉर्मेट में ये ऑपरेशन को क्या करता है, परफॉर्म करता है। ठीक है, वन इंडिकेट करता है ट्रू को, जीरो इंडिकेट करता है फॉल्स को। तो चलिए, बिटवाइज ऑपरेटर का दो टाइप्स होता है। फर्स्ट टाइप्स होता है शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ठीक है, शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, और दूसरा होता है लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर, ओके। शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का काम होता है बिट का शिफ्टिंग करना। अब बिट का शिफ्टिंग कैसे होगा वो जस्ट मैं डिस्कस कर रहा हूं। एक लाइन इसमें हम लोग लिख सकते हैं, टू शिफ्ट बिट टू लेफ्ट एंड राइट साइड। ओके, हम लोग बिट का जो शिफ्टिंग करते हैं लेफ्ट डायरेक्शन में भी करते हैं और राइट डायरेक्शन में भी करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिफ्ट बिट वाइज ऑपरेटर का दो टाइप्स होता है। ठीक है, कौन कौन? एक होता है लेफ्ट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज। ठीक है, जिसका साइन होता है डबल लेस देन। ठीक है, और दूसरा होता है राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, तो इसका साइन होता है डबल ग्रेटर देन। ठीक है, और लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर जो करता है, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है लॉजिकली, लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। याद करो मैंने बताया था लॉजिकल ऑपरेटर, लॉजिकल एंड ऑर नॉट, जो मल्टीपल कंडीशंस को क्या करता था, कंबाइन करता था। ठीक है, तो वहां पे कंडीशन, वहां पे बुलियन टाइप का वैल्यू रिटर्न होता था, ट्रू और फॉल्स। आपको मैंने बताया था कि लॉजिकल एंड ट्रू कब रिटर्न करता है, लॉजिकल और ट्रू कब रिटर्न करता है। उसी तरह से लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, लेकिन यहाँ पे जो भी ऑपरेशन होगा जीरो और वन फॉर्मेट में होगा। ठीक है, अगर इसको मैंने यहाँ पर लिखा इस तरह से, टू परफॉर्म लॉजिकल ऑपरेशन। ठीक है, इसका जो टाइप होता है चार होता है। चार कौन कौन होता है वो देख लेना होगा हम लोग को। ठीक है, फिर एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। इसका नाम है फर्स्ट लॉजिकल एंड बिटवाइज। इसका साइन होता है सिंगल एम्परसेंट वन। ठीक है, इसको एम्परसेंट बोलते हैं। दूसरा है हमारे पास लॉजिकल और बिटवाइज। ओके, इसका साइन होता है पाइपलाइन यानी वर्टिकल लाइन। और थर्ड है
लॉजिकल, एक्सक्लूसिव और बिटवाइज। इसका जो साइन होता है, सिंबल होता है, वो कैरेट सिंबल होता है, ठीक है। ये रहा जिसको कैरेट बोला जाता है, और मैंने टोकेंस में बताया था। और इसके बाद है लॉजिकल नॉट बिटवाइज, जिसका साइन होता है टिल्ड साइन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिल्ड साइन बोलते हैं। ओके, तो आपने ये देखा। तो सबसे पहले हम लोग शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर देखने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे यहां पर? शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ओके, और शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में सबसे पहले हम लोग देखने जा रहे हैं लेफ्ट शिफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज, ओके, जिसका साइन मैंने बताया कि डबल लेस देन होता है। ये जो बीट का शिफ्टिंग करेगा लेफ्ट डायरेक्शन की ओर, टू शिफ्ट बीट टू लेफ्ट साइड, ठीक है। ओके, अब कैसे शिफ्टिंग होगा, कैसे, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्जाम्पल आप देखिए, ध्यान दो। मैंने यहां लिखा 20 लेफ्ट शिफ्ट वन, यानी 20 को 1 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। फिर मैंने यहां पर लिखा 20 लेफ्ट शिफ्ट टू, यानी 20 को 2 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। 20 लेफ्ट शिफ्ट थ्री, यानी 20 को 3 बिट से लेफ्ट शिफ्ट करना है। तो कोई एक लेकर हम लोग सोल्व करते हैं। क्वेश्चन मैंने यहां पर दे दिया, ध्यान दो। क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 20 लेफ्ट शिफ्ट टू इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर यहाँ पर क्या आउटपुट देगा, ठीक है। तो कैसे इसको बनाएंगे, तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे हम लोग निकालेंगे, वो चीज हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले 20 का बाइनरी निकालोगे, आपको ऑलरेडी आना चाहिए 20 का बाइनरी कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो देखो 20 का बाइनरी, जो स्टूडेंट नहीं जान रहे होंगे, ठीक है, ऑलरेडी कंप्यूटर फंडामेंटल में नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तुम इस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में एक सीरीज लिखोगे। कैसे सीरीज लिखेंगे? 1 2, दो दो से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ो, 4 8 16, ओके। अब 16 के बाद 32 हुआ, सीरीज को कब हम स्टॉप करेंगे? अब 16 के बाद क्या हो जाएगा? 32। तो मुझे बाइनरी किसका निकालना है? 20 का। तो अब यहाँ सीरीज में 16 के बाद क्या होगा? 32 होगा, जो इस नंबर से क्या हो गया? ग्रेटर हो गया, 20 से ग्रेटर हो गया, तो सीरीज को स्टॉप कर देंगे। अब यही देखना है कि 20 जो है यहाँ पे, ठीक है, किस किस नंबर को हम सम करेंगे कि 20 हो जाएगा। तो 16 को तो सम करना ही होगा, फिर किसको सम करना होगा? 4 को सम करना होगा। तो जिस जिस नंबर को सम करोगे उसके सामने 1 रखोगे, और बाकी के सामने क्या रखोगे? 0 रखोगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये देखो कि 20 का बाइनरी यहां पर कितने बिट में है, 1 2 3 4 5, 5 बिट्स में 20 का बाइनरी आया, ठीक है। 20 का बाइनरी तो मैंने निकाल दिया, और मैंने यहाँ पे 20 का बाइनरी लिख भी दिया। 20 का बाइनरी जो हमारा आया यहाँ पर, ये आया क्या है? 1 0 1 0 0, ओके। अब इसके बाद देखते हैं कि डेटा का फ्लो कितने बिट में होगा, ये कैसे चेक करोगे। तो 20 का बाइनरी 5 बिट में आया यहाँ पे, और कितने बिट से शिफ्ट करना है? 2 बिट से शिफ्ट करना है। तो 5 प्लस 2, यानी 7 बिट में डेटा का फ्लो होना चाहिए। मिनिमम डेटा को तुमको 7 बिट में क्या करना होगा? रिप्रेजेंट करना होगा। तो कोशिश करना चाहिए कि मिनिमम डेटा को 8 बिट में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। 8 बिट के बाद फिर रूल क्या है? 16 बिट। 16 बिट के बाद रूल क्या है? 32 बिट। लेकिन अगर 8 बिट से अगर ज्यादा
में अगर डेटा का रिप्रेजेंटेशन करना है तो तुम 9 बिट में ले सकते हो, 10 बिट में ले सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है, गलत नहीं होगा। तो मिनिमम कितना चाहिए, 5 प्लस 2, 2 बिट से शिफ्ट करना था तो 7 बिट, लेकिन मैंने बोला कि 8 बिट तुम रिप्रेजेंट करना होगा तुम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, तो अगर 8 बिट में इसको रिप्रेजेंट करना है तो क्यों नहीं 3 जीरो पहले रख ले हम, कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, 1 0 1 0 0, देखो 8 बिट हो गया। ये रिप्रेजेंटेशन मैंने कितने बिट में किया, 8 बिट में किया इसका रिप्रेजेंटेशन। और ये तुमको केवल पाइथन में ही नहीं, सी सी प्लस प्लस जावा सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ठीक है, 8 बिट में मैंने डेटा को रिप्रेजेंट कर लिया, डेटा का फ्लो हो जाएगा। अब तुम क्या करो, समझने के लिए 8 बॉक्स बनाओ। मैंने यहाँ पे 8 बॉक्स बना लिया, ठीक है, 8 बिट में रिप्रेजेंटेशन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। अब चलो मैंने इसमें पुट कर दिया जो 8 बिट का रिप्रेजेंटेशन था, 0 0 1 0 1 0 0, ओके। तो 8 बिट में तो रिप्रेजेंटेशन हो गया, क्या क्या शिफ्ट करना है, लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट करना है, तो लेफ्ट डायरेक्शन, यानी लेफ्ट डायरेक्शन ऐसे ही होगा ना, लेफ्ट डायरेक्शन तो ऐसे ही होगा, ठीक है। अब फिर 8 बॉक्स बनाएंगे, ये समझने के लिए मैं बॉक्स बना रहा हूं, आप विदाउट बॉक्स भी बना सकते हो, विदाउट बॉक्स भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, इसी में हम बिट का शिफ्टिंग करेंगे। चलो 8 बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके। चलो अब देखो तो कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से शिफ्ट करना है, यहां पर देखो 2 बिट से शिफ्ट करना है, तो 20 लेफ्ट शिफ्ट 2, 2 घर को हम यहां पर इग्नोर करेंगे, स्किप करेंगे, ठीक है, मैंने 2 बॉक्स स्किप किया। ये 0 का शिफ्टिंग कहां पे होगा, यहां पे, ये 0 कहां पे होगा, यहां पे, ये 1 कहां पे होगा, यहां पे, ये 0 कहां पे होगा, यहां पे, ये 1 कहां पे होगा, यहां पे, ये 0 कहां पे होगा, ये 2 बॉक्स आपने यहां स्किप किया था, तो 2 जीरो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, जिस बॉक्स को तुमने स्किप किया है इसमें हम राइट साइड से 0 फिल करते हैं, राइट साइड से क्या फिल करेंगे, 0, बिट का शिफ्टिंग हो गया, अब ये 0, अब यही तुम्हारा रिजल्ट है, 1 के पहले 0, ये तो मीनिंगलेस है ना, लेफ्ट साइड में देखो 1 के पहले 0 है, मीनिंगलेस है, तो रिजल्ट तुम्हारा क्या आएगा, यहां पर लिखो 1, फिर क्या है 0, 1 मिनट, 1 0, फिर क्या है 1 है, फिर क्या है 4 टाइम्स 0 है तुम्हारा, 4 टाइम्स 0 आया, यही तुम्हारा रिजल्ट हो गया। लेकिन रिजल्ट हमेशा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है या सी सी प्लस प्लस का जो कंपाइलर होगा वो हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में रिजल्ट देगा, बाइनरी फॉर्मेट में नहीं, तो इस बाइनरी नंबर का तुमको डेसिमल नंबर निकालना हो तभी तुम्हारा रिजल्ट सही होगा। तो डेसिमल नंबर निकालने के लिए शॉर्टकट मैंने क्लास में भी बताया था, इसके सामने क्या करोगे, सीरीज लिख दो, जो 1 2 4 था, 1 2 4, बिल्कुल आसान, दो दो से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ो, 8 16 32 64, ओके। अब इसमें क्या करना है, दो दो से मल्टीप्लाई करते हुए सीरीज लिखा, अब जिस जिसके सामने 1 है, 1 के सामने जो जो नंबर है उसको सम कर लो, 64 को सम करेंगे, 16 को सम करेंगे, 1 1 के सामने वाले नंबर को सम कर लो,
क्या मिला? 64 प्लस, ठीक है, 60, यानी कितना आ जाएगा? 64 प्लस 16, यानी यहां पे आ गया, ठीक है, 80। यही तुम्हारा आंसर हो गया कंप्यूटर, यही तुम्हारा आउटपुट देगा। आई बात समझ में? यानी मैंने लिखा था ना 20 लैप्स इफ 2 इक्वल टू 80, ठीक है, कंप्यूटर 80 आउटपुट देगा। समझ गए मैनुअल मेथड। अब एक दूसरा क्या है कि क्वेश्चन देखते हुए आंसर तुम बताओ, बता दोगे। अब यहां पे मैं शॉर्टकट रूल बता रहा हूं, ध्यान देना, बिल्कुल शॉर्टकट। शॉर्टकट देखो, शॉर्टकट रूल क्या होगा, शॉर्टकट रूल इसका क्या होगा, देखते ही आप आंसर बता दोगे। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर लिखा 20, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 2, व्हाट विल बी आउटपुट, क्या आउटपुट आएगा? तो तुम यहां पर लिखोगे 20 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर, जितने बिट से शिफ्ट करना है वही पावर वैल्यू जाता है, बेस में हमेशा 2 रहेगा, पावर वैल्यू क्या होगा? 2। तो पावर में मैंने क्या दे दिया? 2। तो 20 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर 2 क्या? 4, यानी 20 मल्टीप्लाई 4 क्या होगा? 80। अब मान लो कि दूसरा कोई तुमको ये दे दिया 70, ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट 3। अब तुम जो इतना निकालने जाओगे डायरेक्ट तुम आंसर बता सकते हो। अगर एक क्वेश्चन मान लो कि ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया गया, कहीं पर भी पूछ दिया गया, ठीक है, कोई एग्जाम दे रहे हो, एमसीए एंट्रेंस में भी ये सब क्वेश्चंस पूछता है, 70 लेफ्ट शिफ्ट 3 इक्वल टू व्हाट, कंप्यूटर क्या आउटपुट देगा? डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड अप्लाई करोगे, ठीक है। अगर एग्जाम में बनाने के लिए अगर दे दिया जाएगा तो मैनुअल मेथड, इसी मेथड को बनाना होगा, लेकिन आंसर को तुम मैच करा सकते हो। चलो बताओ, 70 मल्टीप्लाई 2 टू द पावर में तो हमेशा क्या रहेगा? 2 रहेगा, ठीक है, 70 मल्टीप्लाई, एक मिनट, 2 टू द पावर कितना? 3, क्योंकि कितने बिट से शिफ्ट करना है? 3 बिट से शिफ्ट करना है, तो 8, तो 70 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो क्या होगा? 560, यानी यहां पर जो आउटपुट आएगा 560 आएगा। ओके, आप समझ गए होंगे। अब लेफ्ट शिफ्ट पूछा जाएगा तो आसानी से बता सकते हो। अब हम लोग आते हैं राइट शिफ्ट में, राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर में। राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर कहने का मतलब जस्ट इसको ऑपोजिट अब चेंज करना है। क्यों ना मैं इसी को बता दूं, ठीक है, अगर मुझे यहां पर लिखना हो इसको मैं एक मिनट, इरेजर लेके जहां तक मुझे जरूरी है, ठीक है, मैं इसको केवल हटा रहा हूं, इस चीज को मैंने हटा दिया, ठीक है, बाकी अब ये सारा कुछ मैं हटा दिया, ठीक है। चलो देखो, तो अब मैंने यहां पर लिखा, ध्यान देना, अब कोई तुमसे पूछेगा कि लेफ्ट, ये तो लेफ्ट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर हो गया, अब राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का अगर बात करते हैं तो क्यों नहीं, अब इसको हम लेफ्ट, यहां पे बी कर दिया डेफिनेशन, लेफ्ट के जगह अब हम क्या लिख दिया यहां पे, राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर। ये राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर किस डायरेक्शन में बिट का शिफ्टिंग करेगा? राइट डायरेक्शन में करेगा, ठीक है, और यहां पे साइन क्या था राइट शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर का? डबल ग्रेटर देन, ठीक है। फिर मैंने यहां पर लिखा राइट शिफ्ट, देख रहे हो तुम, ठीक है, राइट शिफ्ट, ओके। अब तुमसे पूछा जाएगा कि 20 को अगर राइट शिफ्ट करना होगा 2 बिट से तो क्या होगा? व्हाट विल बी आंसर, आंसर क्या होगा यहां पे? तो मैंने अब यहां 80 को मैं हटा दे रहा हूं,
रूल वही है। क्या है रूल? देखो अब यहां पे, ठीक है, अब यहां पे मुझे लिखना है, 1 मिनट, ठीक है। अब 20 का बाइनरी तो मैंने निकाल दिया, जो पहले तरीका मैंने बताया था, 8 बिट में इसको भी रिप्रेजेंट कर दिया, बॉक्स भी ले लिया। अब उसी तरह से तुम क्या करोगे, फिर बॉक्स बनाओगे और राइट की तरफ डायरेक्शन की ओर शिफ्ट कर लेना है। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ठीक है, पुट कर दो, 0 0 0 1 0 1 0। ओ सॉरी, इसमें तो पुट, वो तो ऑलरेडी है, मैंने यहाँ यहाँ तो शिफ्टिंग करना था। ओके 1 मिनट, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो शिफ्ट करके लिखना है ना इसमें, ठीक है। चलो अब देखो, तो यहां पे अब क्या कह रहा है, राइट डायरेक्शन की ओर, यानी शिफ्टिंग जो होगा इस डायरेक्शन, ठीक है। पहले लेफ्ट शिफ्ट में क्या करते थे, इधर की ओर शिफ्टिंग करते थे, अब ये राइट शिफ्ट है तो राइट डायरेक्शन में होगा। तो अब यहां पे कैसे करेंगे, देखो कितने बिट से शिफ्ट करना है तुमको, 2 बिट से। तो मैंने इधर से 2 को मैंने यहां से क्या किया, स्किप किया, ओके स्किप कर दिया। अब ये 0 का शिफ्टिंग कहां पे होगा, यहां आएगा। ये 0 कहां पे आएगा, यहां आएगा। ये 0 कहां पे आएगा, यहां आएगा। ये 1 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये 0 कहां पे आएगा, यहां पे आएगा। ये 1 यहां पे, बाकी 2 0 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। लेकिन यहाँ दो, जो 2 बॉक्स मैंने स्किप किया है, यहाँ पे 0 पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, 0। तो तुम ही बताओ, 1 के पहले लगातार 0 है तो मीनिंगलेस है, तो रिजल्ट हमारा क्या होगा, 1 0 1 1 0 1। यानी ये कितना का बाइनरी है, रिजल्ट तो हमेशा डेसिमल फॉर्मेट में आएगा, तो यहां पर लिखना होगा 1 2 4। 1 1 1 के 1 1 के सामने वाले नंबर को जोड़ दो, 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 5। यानी इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है, कंप्यूटर 5 आउटपुट देगा। अब चलो, तो शॉर्टकट रूल, शॉर्टकट रूल में आ जाओ, शॉर्टकट रूल में आ जाओ, ठीक है। तो शॉर्टकट रूल, वहां पे हम लोग क्या करते थे, 20 राइट शिफ्ट 2, वहां पे मल्टीप्लाई करते थे, यहां पे डिवाइड कर दोगे। क्या हम लोग करेंगे, डिवाइड, ठीक है, तो 20, ठीक है, पावर उसी तरह से बेस में हमेशा 2 रहेगा, कितने बिट से शिफ्ट करना है, 2 बिट से, पावर में क्या चला जाएगा, 2 चला जाएगा, 20 बाई 4, यानी रिजल्ट क्या आएगा, 5। इसी तरह से कोई भी तुमसे पूछेगा, यहां पे मान लो कि 100 है, कितने बिट से शिफ्ट करना है, मान लो कि 3 बिट से शिफ्ट करना है, तो सॉरी राइट शिफ्ट, राइट शिफ्ट में ग्रेटर देन, डबल ग्रेटर देन, ठीक है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, इक्वल टू क्या आउटपुट आएगा वो चीज तुमको बताना है। तो 100 वो कितने बिट से, 3 बिट से, तो 2 to the power 3, तो 2 to the power 3 क्या होगा, 8। 8 से 100 को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे ना, तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं होता है, केवल इंटीजर पार्ट में रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आएगा, अगर तुम 8 से 100 को डिवाइड करोगे, सपोज देखो यहाँ पर सिंप्लिसिटी, 8 से तुम 100 को डिवाइड कर दो, ठीक है, तुमको मालूम है रिजल्ट, फ्रैक्शनल पार्ट को नहीं लिखेंगे, 1, ठीक है, 20 2 0 2 होगा, ठीक है, और रिमाइंडर में आ जाएगा 4। तो रिमाइंडर कुछ, यहाँ फ्रैक्शनल पार्ट वाला रिजल्ट नहीं, जो तुम्हारा इंटीजर पार्ट होगा, 12 पॉइंट कुछ कुछ होगा, तो यहाँ पे 12,
ही हमारा आंसर हो जाएगा। तो मैनुअल मेथड से अगर इसको शिफ्टिंग करोगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो क्लियर है, ये बिटवाइज ऑपरेटर, बिटवाइज ऑपरेटर का लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट, यानी शिफ्ट बिटवाइज ऑपरेटर, ठीक है। और इसको जरूर इस वीडियो को वॉच करोगे, क्योंकि ये केवल पाइथन में ही नहीं, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन, सी शार्प डॉट नेट, वीवी डॉट नेट, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये ऑपरेटर होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिटवाइज ऑपरेटर का दूसरा टाइप, जो क्या है, लॉजिकल बिटवाइज ऑपरेटर। थैंक यू।